यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उधर मथुरा से बड़ी खबर, गैंगस्टर हरीश शर्मा की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। 5,03,00,000 रुपए की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार का चाबुक चल रहा है। तो थाना रिफाइनरी के कोयला अलीपुर गांव का निवासी है गैंगस्टर हरीश शर्मा। हरीश शर्मा पर विभिन्न अपराधों में 23 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, कार्रवाई हुई है। ये हरीश शर्मा पर गिरिराज प्रसाद के विरुद्ध 14/2020 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत थाना रिफाइनरी मथुरा में पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त के ही संबंध में 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई बंद कराई जा रही है। अगर इसमें बात की जाए तो टोटल उधर अमेठी में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 3 लोग फरार हो गए। पकड़े गए लोगों के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब की 50 पेटियां बरामद की गई। मामले में थाना गौरीगंज द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है और फरार लोगों की तलाश की जा रही है। अवैध शराब की 50 पेटियां जब्त की गई, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, इनके साथी की तलाश जारी। तो 3 लोग पुलिस के पकड़ से फरार। पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अब मिश्रित शराब और अवैध मदिरा का निष्कर्षण करने वाले और विक्रय करने वालों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा था उसी के क्रम में कल SOG की टीम और गौरीगंज की टीम को प्रभारी निरीक्षक गौरीगंज को अच्छी सफलता प्राप्त हुई, जिसमें कि रोहसी बुजुर्ग अमेठी से बलीपुर मार्ग के ऊपर एक हाथे के अंदर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई, जिसमें कि 50 पेटी शराब, 2250 शीशियाँ, 450 लीटर, 8,675 खाली शीशियाँ, 5,000 बारकोड और ऑरेंज दीवान और पावर हाउस इस ब्रांड के लेबल करीब 10,000 की संख्या में प्राप्त हुए।